हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, नई यूनिट नंबर 5, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मींस स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ एप्लीकेशंस। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेट, मींस चुंबक की अवधारणा आज डिस्कस करेंगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ द मैग्नेट एंड ऑल्सो डिस्कस द मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, क्लियर। तो आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेट, टाइप्स ऑफ द मैग्नेट एंड मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, क्लियर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट, मीन्स चुंबक की अवधारणा। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकृति नेचर में एक ब्लैक स्टोन, मींस एक काला पत्थर प्रकृति में पाया जाता है, जिसके अंदर लोहे के, आयरन के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, तो उसको हम कहते हैं चुंबक मैग्नेट, क्लियर। मींस हमने बताया आपको कि नेचर में एक ब्लैक स्टोन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है ब्लैक स्टोन इन द नेचर, और इस प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले इस काले पत्थर के अंदर लोहे के, आयरन के स्मॉल सब्सटेंस या पार्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उनको आकर्षित करने का गुण होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट, क्लियर। डेफिनेशन में हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का काला पत्थर जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम कहते हैं चुंबक, क्लियर। और इसके लिए हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स भी नोट किए हैं, आइए वॉच करते हैं। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, क्लियर। जैसे हमने आपको बताया अभी कि चुंबक में आयरन, मीन्स इन्हें बोलते हैं लोह पदार्थ या लोहा, एंड थिंग्स ऑफ मेड ऑफ आयरन, मीन्स लोहे के पदार्थ जब बनाते हैं या लोहे के द्वारा बने पदार्थ, या तो आयरन होगा या थिंग्स मेड ऑफ आयरन होगा, इन दोनों प्रकार की जो कंडीशंस होगी उनको अट्रैक्ट करेगा कौन? ब्लैक स्टोन, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन यदि है मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड द थिंग्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ आयरन, मींस चुंबक में लोहे और लोह पदार्थ से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट इज मेड ऑफ मैग्नेटाइट, प्राकृतिक जो हमारे पास चुंबक है उस चुंबक के अंदर जो उपलब्ध हमारे पास जो पदार्थ है वो होता है मैग्नेटाइट, तो जो चुंबक हम प्राकृतिक चुंबक बनाते हैं उसमें मैग्नेटाइट नामक ये सब्सटेंस होता है, क्लियर। बट इट कैन आल्सो बी मेड आर्टिफिशियली, लेकिन इसको हम
कृत्रिम माध्यम से या कृत्रिम प्रकार से भी बना सकते हैं। क्लियर, तो ये बेसिक कंसेप्ट में रहेगा मैग्नेट के। क्लियर, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि चुंबक मैग्नेट आर मेनली द टू टाइप्स, दो प्रकार की चुंबक होती हैं, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल, मींस प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मींस जो प्रकृति में अवेलेबल होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं, और आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम जो हम जिनको हम प्रैक्टिकली फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटर से। क्लियर, तो हमने फर्स्ट कंडीशन ली है टाइप्स ऑफ मैग्नेट में, चुंबक के प्रकार में। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, सेकंड है हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। क्लियर, तो प्राकृतिक चुंबक जो होती है, हमने आपको भी बताया है टॉपिक के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बताया आपको कि जो हमारे पास प्रकृति में पाया जाने वाला काला पत्थर होता है, उसके अंदर लोहो या लोहो के पदार्थ को आकर्षित करने वो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं या नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं या चुंबक कहते हैं। क्लियर, और इनको जब हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट मींस हमने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है जो कौन सा है, मैग्नेटाइट, जो हेल्प करता है प्राकृतिक चुंबक में उपलब्ध होता है। तो जब हम नेचुरल मैग्नेट बनाते हैं, प्राकृतिक चुंबक बनाते हैं, तो हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट Fe3O4। क्लियर, और इसके साथ साथ जो हमारे पास प्राकृतिक चुंबक को आकर्षित करने का जो गुण होता है लोह पदार्थ को, मींस जब कोई भी प्राकृतिक चुंबक लोह पदार्थ को आकर्षित करेगी, तो उसके इस गुण को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म मींस चुंबकत्व। क्लियर है, तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, नेचुरल जो मैग्नेट है वो एक प्रकार का हमने आपको बताया प्राकृतिक चुंबक है, जो हमने आपको बताया था काला पत्थर जो प्रकृति में पाया जाता है उस के अंदर लोहे पदार्थ को आकर्षित करने का जो गुण है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक या चुंबक। ठीक है, और ये जो बना होता है इसमें हम मैग्नेटाइट यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट Fe3O4। क्लियर, और इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक में लोह पदार्थ को आकर्षण या आकर्षित करने के गुण को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म मींस चुंबकत्व। क्लियर, अब बात करेंगे हम सेकंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट मींस कृत्रिम चुंबक। अब ये कृत्रिम चुंबक जो हम बनाते हैं वो हम सब्सटेंस निकिल कोबाल्ट ETC हम इनका प्रयोग करके आर्टिफिशियल मैग्नेट को फॉर्मेट करते हैं, और एग्जांपल के लिए हम मैग्नेटिक नीडल मींस चुंबकीय सुई या दंड चुंबक या नाल चुंबक आदि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर। क्लियर, तो कृत्रिम चुंबक जो बनती है वो निकिल कोबाल्ट जैसे पदार्थों में जो बनाते हैं, और इनके एग्जांपल हम चुंबकीय सुई, दंड चुंबक आदि से इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, अब लास्ट में बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के जो गुण हैं मुख्यतः हमने शो किए हैं, मेनली जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है हमारे पास दे हैव हैंगिंग फ्रीली, देन दे स्टेबल NS directions always, हम बताएंगे N means north और ये south means उत्तर और दक्षिण। जैसे जब भी हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्र या फ्रीली हैंगिंग करते हैं, लटकाते हैं,
तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होगी। मीन्स जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, हैंगिंग करते हैं, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर रहेगी। क्लियर? तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आप समझ लेना इस कंडीशन को। एन मीन्स नॉर्थ और ये आपका है साउथ। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हैं और इसमें ये स्टेबल होंगी जब इनको हम फ्रीली हैंगिंग करेंगे। क्लियर है? उसके बाद नंबर टू, टू इक्वल पोल्स सो रिपल्शन एंड अपोजिट पोल्स सो अट्रैक्शन। इसको समझिए, जैसे कि हमने आपको बताया है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होंगी, तो इनसे हम पोल बनाएंगे, ध्रुव बनाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो समान ध्रुव हैं, इक्वल मींस या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है आपका। क्लियर? तो उनके बीच हमेशा रहेगा रिपल्शन प्रतिकर्षण, मींस एक दूसरे को वो क्या करेंगी, रिपल करेंगी। और अगर हमारे पास अपोजिट पोल्स होंगे, मींस एक होगा हमारे पास पोल नॉर्थ का और एक होगा हमारे पास साउथ का, तो उनके बीच क्या रहेगा, हमेशा अट्रैक्शन आकर्षण का गुण रहेगा उनके बीच। क्लियर? तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपको प्रिपेयर करनी है। क्लियर? तो आइए इस फील्ड से रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे कंप्लीट टॉपिक का। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट में हमने आपको बताया है कि एक प्रकार का ब्लैक स्टोन जो नेचर में प्रेजेंट होता है, उस के अंदर आयरन और आयरन थिंग्स सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट। क्लियर? और इसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन और थिंग्स मेड ऑफ द आयरन। क्लियर? उनको ये क्या करता है, क्यों आकर्षित करता है। इसके साथ साथ नेचुरली अवेलेबल जो मैग्नेट है उसमें मैग्नेटाइट सब्सटेंस होता है। क्लियर? बट इट कैन आल्सो बी मेड आर्टिफिशियली, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको आर्टिफिशियल फॉर्म में प्रैक्टिकली बना सकते हैं। क्लियर? टाइप्स में हमने बताया आपको मैग्नेट के टाइप्स में नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक एक प्रकार का मैग्नेटिक है, जिसमें हम ब्लैक स्टोन काला पत्थर लेते हैं प्रकृति में, और ये लौहिक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, छोटे छोटे पार्ट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और इसको बनाने के लिए हम आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट का यूज करते हैं, Fe3O4 भी हम इसके बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट को। क्लियर? और प्राकृतिक चुंबक जो होती हैं उसकी अंदर जो प्रॉपर्टी होती है आयरन के पार्ट्स को अट्रैक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं फिनोमिना मैग्नेटिक चुंबकत्व। क्लियर? अलग से पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक। क्लियर? तो आपको बता रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम निकिल कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस लेते हैं और इनसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का फॉर्मेट करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मैग्नेटिक निडिल, चुंबकीय सुई या धन चुंबक आदि का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और लास्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट गुण प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक फ्रीली हैंगिंग करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में ये स्थिर रहेगी, मतलब रुक जाएगी। नंबर टू, टू इक्वल पोल्स सो रिपल्शन एंड अपोजिट पोल्स सो अट्रैक्शन। तो जो हमारे पास समान ध्रुव होंगे मीन्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो इनके बीच रहेगा, दोनों के बीच रिपल्शन प्रतिकर्षण। और अगर हमारे पास अपोजिट पोल होंगे नॉर्थ और साउथ, इनके बीच रहेगा अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। क्लियर? तो इस प्रकार ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है और आने वाले प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।